नमस्कार। बिल्कुल अब हम बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं एमसीसी और सॉरी एमबीबीएस 2021 काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में, और शायद ये मेरे कुछ आखिरी वीडियोस होंगे। उसके बाद तो हम एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं शायद आपको वो बताना चाहता हूँ जो बाकी टेलर्स नहीं बता रहे हैं। सो कौन सा एक आध कॉलेज नया खुला वो तो हमें पता चल ही जाता है, बाकी जो दो तीन और अच्छे चैनल्स हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉलेज को चूज़ करने के काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी खुद की क्वालिटी, और क्वालिटी का पैरामीटर होता है लोकेशन क्या है, पेशेंट इनफ्लो क्या है, एज ऑफ द कॉलेज इज ए पैरामीटर ऑफ दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 6-7 पैरामीटर है जिनकी बेसिस पे हम एक रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। और उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर है फ्यूचर पीजी सीट्स। अब जो मुझे हंसी आती है कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और यही कहते हैं कि सर हम कर्नाटक और महाराष्ट्र इसलिए चूज़ करते हैं कि उनके पास इंडिया की दो लार्जेस्ट पीजी सीट्स हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बात सच है, लेकिन वही है ना कि हम कभी गहराई में नहीं जाते। तो कर्नाटका में अगर पीजी सीट्स मैक्सिमम हैं तो एमबीबीएस सीट्स भी तो मैक्सिमम हैं। और अब देखिए मोटा मोटी समझाया तो पीजी काउंसलिंग 50% जब भी स्टार्ट होगा, पीजी फॉर मी इज एमएस एंड एमडी नॉट डीएनबी, वो भी है। तो अब एमएस और एमडी में 50% तो ऑल इंडिया कोटा है, जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पीजी कराती हैं, वही सेम एम्स बीएचयू एएमयू, उनका अपना एक इंस्टीट्यूशनल कोटा भी होता है, प्लस ऑल इंडिया कोटा से वो सीट्स लेती हैं, उनमें कोई स्टेट होता ही नहीं है। लेकिन तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो लार्ज नंबर है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, और जो पीजी के लिए भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो हमेशा की तरह 100% सीट्स ओपन होती हैं। अब हर स्टेट के रूल अलग है। सो मोस्टली जगह पर अगर आप, मैं आपको मोटा मोटी वीडियो में बता रहा हूँ कि जिस जगह से जाके आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको वहाँ का कोटा मिल जाता है, प्लस आपका होम स्टेट का कोटा भी रहता है बैरिंग एक्सेप्शंस। तो वी हैव टू गो डीप कि मेरे स्टेट का क्या रूल है, कि अगर मैं बाहर जाके एमबीबीएस कर रहा हूँ तो क्या मुझे अपने स्टेट में फ्यूचर में पीजी कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको रखना ज़रूरी है कि पता चला आप एक बार बाहर चले गए, स्पेशली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो, तो फिर आप पीजी तक भी बाहर रहे। चलो वो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, जहाँ 4.5 साल 5 साल बाहर जा रहे हैं वहाँ 3 साल और बाहर चले जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि वो स्टेट कोटा के चक्कर में। लेकिन जो फनी चीज़ है वो है जी, कर्नाटका में सर इसलिए जाते हैं उसके पास सबसे मैक्सिमम पीजी सीट्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि कितनी सरकारी पीजी सीट हैं ये पता है आपको उस टोटल में से, क्योंकि उसकी फीस फिर भी रीजनेबल है। और प्राइवेट भी जोड़ लें तो प्राइवेट में भी ठीक है स्टेट कोटा लगता है, क्योंकि आप डोमिसाइल है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। लेकिन फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमबीबीएस कितने हैं, तो अब ये देखिए, एक तो जो ओरिजिनली कर्नाटका के बच्चे थे जिन्होंने खुद बाहर जाके एमबीबीएस किया होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर जो एमबीबीएस की 83,000 सीट्स हैं उसमें किस स्टेट में मैक्सिमम है, कर्नाटका में ही। तो जो इस साल एमबीबीएस ज्वाइन कर रहा है कर्नाटका में, जो शायद उसी रेंज में है 8-9 हज़ार, वही सभी तो फ्यूचर में एप्लीकेबल हो जाएंगे ना पीजी सीट्स के लिए, राइट, क्योंकि सभी को कोटा मिल गया। सो जितने ज़्यादा बच्चे वहाँ जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा आपका फ्यूचर कंपटीशन हो गया। तो अगर आपको समझदारी से ये डिसीजन भी लेना है पीजी सीट्स को देखते हुए, तो आप उस स्टेट्स को पकड़े फिर जिस स्टेट में एमबीबीएस सीटें कम हैं और पीजी सीटें ज़्यादा हैं रेशो में। और ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं जिसमें वो रेशो इज़ प्रॉफिटेबल। तो बस मैं समझाना ही चाह रहा था कि एब्सोल्यूट नंबर डजेंट मैटर, क्योंकि सेम वुड बी योर फ्यूचर कॉम्पिटिशन। जितने ज़्यादा बच्चे उस स्टेट से एमबीबीएस कर रहे हैं वो सारे तो आपके कॉम्पिटिशन में होंगे ना। तो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर एमबीबीएस कम है और पीजी ज़्यादा है, ऐसे हैं कुछ, और उसके बाद कुछ बराबर हैं, बट आई कैन अश्योर यू कर्नाटका इज़ नॉट द बेस्ट अगर आप एमबीबीएस बच्चों से भी कंपेयर करोगे। सो ये जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप पीजी सीट्स को एक बेंचमार्क मान रहे हो अपनी एमबीबीएस की डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए, राइट। और ऑफ कोर्स हम हेल्प करते हैं, ये जो सर्विस है पर्टिकुलरली इतना डिटेल में जाके गाइड करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उन्हीं के लिए ये अवेलेबल रहती है, हु आर टेकन अवर फुल पैकेज। तो जस्ट टू टेल यू कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं को मिलती है, बट आप खुद से सर्च कर सकते हैं, आपको ये आप ये एनालिसिस कर लें, ये डिसीजन ले लें, ये इन्फॉर्मेशन निकाल लें, तो आपको हेल्प होगी अपने फ्यूचर एमबीबीएस कॉलेज जो अभी स्टार्ट होने वाला है उसको सिलेक्ट करने के लिए। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। और इस फैक्टर को भी आप कंसिडर करें तो सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ी गहराई में जाके, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक
ठीक है। और जो भी आपने काउंसलर्स फिलहाल हायर कर लिए हैं उनसे भी आप ये जानकारी मांग सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम देते ही हैं। धन्यवाद।